अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब, जो कि आपको पता है मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आज का टॉपिक आप लोगों की डिमांड पे किया जा रहा है, बहुत से लोगों के सवाल आते हैं, वो भी हम एंड पे लेंगे प्रोग्राम के। सबसे पहले हम जानेंगे कि 2024 में कौन से जोडिक साइन है जिनके ऊपर पैसों की देवी मेहरबान होने वाली है, पैसा उनके पास खिंचता हुआ चला आएगा, वो कौन से जोड़ी एक साइन है। जिनके घर नहीं है वो अपना घर बना लेंगे, जो बे औलाद है उनकी औलाद हो जाएगी, वो क्या मामलात हैं, वो कौन से जोड़ी एक साइन है जो तरक्की करने वाले हैं, सारी बातें जानेंगे एम ए शहजाद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह बेटा, बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। खान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, सबसे पहले आपने सवाल किया है उस पे आप कायम है, उसी के मुताबिक जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल, ये लोगों के सवाल हैं कि जो ज़ोडियक साइन कौन से हैं जो मतलब कि किनको फायदा हो रहा है माली मामला। सुने जी, वो जो मेंढा होता है, मेंढा ये ज़ोडियक साइन है। अच्छा ठीक है, उनको बहुत फायदा है। मेंढा मतलब इंग्लिश में कौन सा होगा? मेंढा, मेंढा वो बकरा नहीं था, गोल सिंगा वाला मेंढा। लिब्रा? नहीं नहीं नहीं, आपने जोडिक साइन का है ना, आपने कहा जोडिक साइन कौन? हाँ जी, मतलब ब्रो जो लोग भी समझदार हैं, देख रहे हैं, समय पढ़े लिखे लोग देखते हैं हमें, आप जैसे बताएंगे लोग समझ जाएंगे। नहीं नहीं, बात मेंढा मेरे से शक्लें जोडिक साइन होती हैं, पहली बात ये बताऊंगा। ब्रूज मतलब कहेंगे, बुर्ज, बुर्ज या ब्रूज कह लें या स्टार्स कहें, स्टार्स कहें ठीक है, प्लैनेट्स ओवर होते हैं। ठीक है ठीक है, तो आपने जोडिक साइन नहीं कहना है। ठीक है, ये सर आपके पास बैठेंगे, आपसे सीखते हैं। अच्छा जी जी, बात ये बेटा कि बुर्ज हमल वाले लोग जिनको एरीज कहा जाता है, अच्छा मेख राशि, इन लोगों को अल्फाज भी बयान कर देते हैं इसमें, अलिफ आइन लाम ये वाले लोग, इनको माली फायद ज्यादा होंगे 2024 में। अच्छा, इनकी जो आमदनी है वो 30-40% बढ़ेगी एरीज की। जी हाँ, वाजिब। इनकी जो मुश्किलात हैं, चाहे कानूनी हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे अजदवाजी हो, चाहे रिश्तों से रिलेट हो, चाहे तालीम से रिलेट हो, चाहे सफर से रिलेट हो, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, इनकी सेहत बेहतर होगी। लेकिन अब ये एक इनमें एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, गाड़ी जरा अच्छी नहीं चलाते, गाड़ी हो या सवारी व्हीकल्स कुछ भी, तेज चलाते हैं, जरा कटे कुटे मारते हैं बहुत, तो टांगें अक्सर छिल जाती हैं, टूट भी जाती हैं, अल्लाह ना करे, गोडे गुडे लगता है किसी ने कट मारा, आपने पूछा तुम्हारा जोड़ी है कौन सा। अच्छा, ते दूसरी चीज मुंह शू भी पाड़ जाते ने। ते बात यह है कि गाड़ी में आपने एहतियात रखनी है, यानी सोचना ऐसी सेफ, बीमारी अल्लाह की तरफ से, मौत अल्लाह की तरफ से, हर चीज ही अल्लाह की तरफ से, इज्जत जिल्लत हर चीज। तो अब 2024 में ओवर कॉन्फिडेंस बड़े से ही है, तो गाड़ियों में एहतियात रखनी है। शहजाद साहब, एरीज का आपने बताया, तो ये बताएं कि इनको फायदा कौन से मंथ से स्टार्ट होगा, 2024 आते साथ ही के कुछ बीच में अरसे से? बेटा आप आज हम बात कर रहे हैं 2024 की, 24 पूरे 24 की। जी ठीक है, ये हम साल की बात कर रहे हैं। जी सर, अब दूसरी बात, इनको अब पत्थर कौन सा है? खवातीन जो हैं गोल्ड में पहन सकती हैं, क्या रूबी, एमरल्ड, सफायर, डायमंड, एगेट, ये स्टोन्स पहन सकती हैं एरीज वाली। और मर्द हजरात जो मुसलमान हैं, जाहिर चांदी में यही पत्थर पहन ले, और बाकी जो दूसरे मजाहब वो अपने मजहब के मुताबिक मेटल यूज कर ले। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, मंगल का दिन अच्छा है इनका, जुमेरात भी अच्छी है, जो 2024 में जुमेरात आएगी। आहो सोने आ। लेकिन जो मंगल और जुमेरात कमर दर अकरब में होगी वो नहीं ठीक होगी। वो कैसे पता लगा? मंगल दस तीनों प्रोग्राम उसमें फिर खुल जाएगा बेटा, बस एक बात कर दी। नहीं, वो कमर दर्द अकरब आवाम को जरा आसान वर्ड में बताया ना, मुझे भी नहीं पता। हर महीने कमर दर अकरब होता है। अच्छा, उसमें आपने मंगल जुमेरात शुभ नहीं समझनी। ठीक है, वो अशुभ ही है। ठीक है। और दूसरी बात, देखिए आप बोल गए ना, मैं भूल गया, चले तीसरी बता दें। नहीं, पहली से चल रहे दोबारा। गल है कि ये सुने
कि दिन मंगल रंग इनका लाल है, ठीक है, रेड कलर इनके लिए अच्छा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं और दूसरा जो दूसरा थोड़ी है, वो है संघ राशि। संघ राशि सिंह कह लो, अभी सिंह भाई उनको सिंह कहा जाता है, क्यों शेर है वो भी, शेर है लियो। हाँ, और उनकी बीवी को कोर कहा जाता है, कोर का मतलब रानी, रानी। अच्छा, जो संघ राशि वाले जो हैं, संघ राशि जो लियो बुर्ज असत कहा जाता है, इनका निशान शेर है, तो ये लोग बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में, ठीक है, आगे निकलेंगे। पैसा किस फील्ड से है इनको? सुनने ना जी जी, मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की हो रही है? किसी भी चीज, दिमाग की नहीं हो रही है, किसी चीज की, प्रोजेक्ट की हो रही है। बहुत आगे जाएंगे, कामयाब होंगे, पैसा आएगा, ठीक है। जॉब में गए, एडमिनिस्ट्रेशन टॉप, पावर्स, तरक्की। रिश्तों में गए, अच्छे घरानों में रिश्ते, कामयाबी के जीने, वाह, चढ़ते जाएंगे, जबरदस्त। मेडिकल में गए, बहुत आगे निकलेंगे। इंजीनियरिंग में गए, बहुत आगे। एमबीए में गए, बहुत आगे। ये सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद इनकी डिजीज जरूर मैं बता दूं, हार्ट का मामला होगा, ये बचना है, वो मेडिकल डॉक्टर से ही रहे, रुजू करें, ठीक है। टांग में एक दर्द और चोट, चोट तो आई जाती है लेकिन दर्द वो अगर आ गई तो फिर वो रेगुलर रहेगी। अच्छा, 2024 में? जी हाँ, ठीक है। आईज, आंखों की कमजोरी, डायबिटिक, शुगर, उसके हवाले से भी एहतियात। अच्छा सर, उसके बाद पत्थर में रूबी पहने, ठीक है, गौ मैदिक पहने, गार्नेट भी पहन सकते हैं, एलेक्जेंड्राइट पहने, एगेट पहने, ठीक है, बेहतरीन है, जबरदस्त। मेल फीमेल दोनों? हाँ जी, ठीक हो गया। मुबारक दिन इतवार है। उसके बाद हम चले गए स्कॉर्पियो, अक्रब, वृश्चिक राशि, जेड और एन वाले लोग, इनके लिए सफर के हवाले से बेहतरीन कामयाबियां, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दी बेस्ट है, ठीक है। इनके लिए मार्केटिंग दी बेस्ट है, क्रिप्टो करेंसी का शौक अगर रखते हैं तो अच्छा चल जाएगा, स्टॉक्स एक्सचेंज में जाना चाहते हैं तो अच्छा चल जाएगा, इस तरह की चीजों में फील्ड में जाएं, एजुकेशन में कैलकुलेशंस लें, ICMA, CA, MCOM, मैनेजमेंट फाइनेंस, MBA, इनमें ही आगे निकलेंगे, ठीक है, कामयाबी। हाँ, डी फार्मेसी, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये सब्जेक्ट्स दी बेस्ट हैं, एजुकेशन में आगे निकलेंगे, रिश्ते होंगे, शादनियां बरकरार होंगी, रहेंगी। उसके बाद एस वाले लोग, बब्बर शरा, एस नु मेंज करना, सप बना देना, लेटन में एस सांप की तरह है, ऐसे ही स्नेक ही कहते हैं इंग्लिश में उसको, ते विचार जिंदा है ना, पता नहीं मैं कर रहा सी, फिर सांप ही बनाया था, वो पूछल तक पहुंचे थे, फिर मैं बोला आ, तो फिर उतो ना पै जावे सांप, अच्छा विच नहीं आया कर, ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी एस, ट्रैवल, शाहकार, किसके हर मैदान के, स्पोर्ट्स में आगे निकलेंगे एस वाले लोग, जी हाँ। स्पीकिंग पावर, नॉलेज, स्पिरिचुअलिज्म, इनमें आगे, उल्मा, आलिम, मुफ्ती, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स आगे निकलेंगे, टीचर्स, एडवोकेट्स आगे निकलेंगे, दुनिया के बड़े से बड़े ट्रैवल करना चाहें, कुछ होता है ना यहां से पाकिस्तान से थोड़ी मिडिल ईस्ट, जब होता है जी जी, ओके में दिल्ली से गई, पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली। फिर वहां से गई जमना, फिर दुनिया मिला सजना, जैसे मिडल वो लंदन से आए सोदिया, सोदिया से आए कतर, कतर से आए यूई, यूई से आए पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये किसकी बात की है मैंने? एस वालों की नहीं, सुने यार,
तनु नहीं समझ आई, इनका जवाब जो है व्यूवर्स देंगे, फलक साहब को बात समझ नहीं आई। अच्छा जी, ये समझ गया हूँ मैं, बता अच्छा, चाह तो बताएं अपनी अकल का मुजाहरा करें। नहीं, ये समझ गया हूँ ये बात कर रहे हैं। बहरहाल अच्छा, ऐस वाले लोग अगर सफर बहुत आगे कामयाब शादियां उन सारे ऐसे दे कार दे पड़ा पै जाएगा मुंडे बंदियां दे कार। अच्छा, ऐस साला दूजा विवाह करना चाहता होवे, तीजा करना चाहता होवे, चौथा करना चाहता होवे तो हो जाएगा। तो आप फटे क्यों डलवाते हैं घर में, आप ऐसे कहते हैं कि यार कर सकते हैं, चावे थे उन ऐसे तो औरतों के नाम भी है, शुमाइला भी है, साइमा भी है, उन ऐसी भी बुड्ढी अपने बंदे नु चावे तो इस बार नहीं जाएगा सोने, उन बचा दिता, बच गया, वाह क्या बात है। लेकिन उन जितनी मेरी भैणा ने कहेंगे सानू साहब च पा गया। लेकिन जी ऐसा नहीं हुआ, खवातीन ने वह भी बब्बर शेरनिया हो गई, मसलन ओदा हस्बैंड इंज करेगा, रंजन करेगा ना, ओदी अखां ना चुक के इत्थे लिया देगी, इत्थे कर देगी, इस पावर च चला जाएगा सोने। वाह थैंक यू, क्या बात है जी। यानी कि स्कॉर्पियो जो तीसरा आपने बताया और ऐस वाले लोगों का बताया कि ये तरक्की 2024 में इनको माली फायदा होने वाला है, आपकी इजाजत से कुछ सवाल? नहीं, टाइम निकल गया कल। नहीं सर, वो जरूरी है, बहुत से लोग, नहीं नहीं सर मैं लोगों के साथ हूँ, लोग फिर आपको कहते हैं नीचे मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बस बेटा हो गया, 15 मिनट हो गए। नहीं सर, एक सवाल लेने, लोगों के बहुत जरूरी है, 8 मिनट का प्रोग्राम हुआ है, लोगों के सवाल जरूरी है, जल्दी करें। चलें जी, जल्दी जल्दी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। सर नाम मेरा आरिफ अली है, मेरी वालदा का नाम नज़ीरा बीबी है, तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है, मेरी बीवी का नाम लुबना है, इसकी वालदा का नाम बल्कीस है, बीवी की तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं, 20 साल शादी के हो गए हैं, 5 बच्चे हैं, लेकिन हमारा अपना घर कब होगा? 2026 में इंशाल्लाह, 2026 में होगा। नाइस इन्फॉर्मेशन शहजाद साहब, जियो ठीक है, आप सवाल करें। अच्छा जी, मेरा नाम है जुबैदा बीबी, एरीज है, और हस्बैंड का नाम राजा खुर्शीद बटी है, वर्गो, हैव डीलिंग विद प्रॉब्लम सिंस 15 साल से, आई गोट मैरिड, प्लीज टेल मी सम हैपन इन अवर लिव्स। जी जी जी, अल्लाह खैर करेगा, 2024 है इनके लिए बहुत अच्छा है, कामयाब है, ठीक है। और मैं पढ़ता हूँ सवाल, आप जरा, मैं सर जल्दी, नहीं नहीं नहीं, आपको अंदाज में बता दूँ क्या है, आपको एक दफ़ा समझा दूँगा, आप समझेंगे। इजाज असलम सुगरा, डेट ऑफ बर्थ 11 दिसंबर 1971, बेटा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो अगला साल जो है सितंबर के बाद बेहतर होगा, ठीक है। नाम सबा है, मदर का नाम परवीन है, 19 जून 1998 डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, वक्त कब स्टार्ट होगा? अल्लाह के हुक्म से मैं समझता हूँ कि 2025 फलक। बेटा मैं एक स्टाइल करता हूँ फिर आप समझ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1997 है, मेरी डिवोर्स मार्च 2023 में हुई है, 2021 दिसंबर में शादी हुई थी, मेरा नाम एस से आता है, एफ नाम से हुई है, मैं पैदाइश दोपहर को ही हूँ, मेरे हालात कब ठीक होंगे, मतलब शादी कब होगी इनकी? मैं बताता हूँ, अच्छा सर, उन्हें मैं आपको आसान कर रहा हूँ ना, आप सीख लेना, आपको फायदा है, बड़ों से सीख लेते हैं। अच्छा जी, वो शादी वाला जो मामला है वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। सुने, इस तरह बताना है, 30/3/2002 और इन्होंने नाम ही नहीं लिखा, हालात कब ठीक, नाम ही नहीं लिखा, लिखा हुआ है असद नाम है इनका, देखिए सर मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, नाम है असद, असद है, डेट ऑफ बर्थ है 30/3/2002, हालात कब ठीक होंगे? अगला साल अच्छा इंशाल्लाह। माय नेम इज नासिर, मदर का नाम है नसीम, डेट है 15 जनवरी 1984। 2026 माय नेम भी नहीं कहना सर, नाम पढ़े, ठीक है। एरीज वुमेन है ये, यासरा नाम है, 6/4/1985, मदर का नाम तस्लीम कौसर है, हस्बैंड का नाम आरिफ है, मदर नरगिस है, हालात ठीक कब होंगे? 22 साल हो गए शादी को, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। अभी इतना बड़ा उन्होंने पंगा डाल दिया, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, ये तो इन्हें दोबारा रिपीट है बेटा, अंदाजी उम्र, अंदाजन उम्र भेजा, अंदाजन उम्र बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद उमैर बुर्ज सितार कौन सा है, 2024 कैसा रहेगा? हमल, बुर्ज हमल है और 2024 मैंने बता दिया आज प्रोग्राम में जी। कह रहे हैं एरिस कभी भी सेकेंड मैरिज में इंसाफ नहीं कर सके, धोखा दे जाते हैं, क्या कहेंगे? वो तो कोई मर्द भी नहीं करता, ठीक है। अदीला शमीम, डेट ऑफ बर्थ 28/5/1990, हस्बैंड का नाम है आलमगीर इजाज, 15 नवंबर, मैरिड लाइफ के बारे में बता दें। बेटा इंशाल्लाह अगला साल January 15 के बाद बेहतरी है। अमार हैदर, डेट ऑफ बर्थ है 1/5/2001, भाई बाहर जाने के लिए, नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा जॉब के लिए? बिल्कुल नहीं जाना, 2025 में जाना, थैंक यू जी, ठीक है जी। सर नाम है सिदरा रफीक, डेट ऑफ बर्थ है 18/9/1997, हस्बैंड का नाम मोहम्मद उस्मान है, प्लीज़ बता दें नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा?
ये आखिरी सवाल था जी, और अल्लाह के हुक्म से मिड से बेहतर होगा। थैंक यू जी, ठीक हो गया। नाज़रीन आपने देखा एम ए शहज़ाद साहब ने जो सवालों की जवाबात दिए, आप सबके सामने चीज़ है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की, लेकिन शहज़ाद साहब का अपना अंदाज़ है। नेक्स्ट व्लॉग में बाकी जो लोग रह गए उनके सवालात के जवाब देंगे। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शहज़ाद साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।